हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट और टेक्स्ट मैसेज भी आए थे कि अभी जो फ़्लाइट बंद है इंडिया से कनाडा की, जो डायरेक्ट फ़्लाइट बंद है, उनको लेके कोई अगर है, क्योंकि अभी हम जो इनडायरेक्ट रूट से आए हैं, तो फ्रेंड्स के मैसेज आए थे कि उससे रिलेटेड कोई वीडियो बनाओ। तो उसी के रिलेटेड है, जस्ट टू हेल्प यू गाइज इफ़ यू वॉन्ट टू ट्रैवल इनडायरेक्टली फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हमने एक्चुअली हम लोग चार फ्रेंड अभी इंडिया से कैनेडा ट्रैवल किए हैं, तो चारों ही वर्क परमिट पे थे और चारों ही एक ही कंसल्टेंसी से थे। तो हमने प्लानिंग बनाई कि भाई अभी डायरेक्ट फ्लाइट तो सारी बंद हैं, तो उसके अलावा अगर हम किसी इनडायरेक्ट रूट से जा सकते हैं, क्योंकि हमारा वर्क परमिट था और टाइम वेस्ट करना मतलब ठीक नहीं होता कि जितना जल्दी आप कनाडा में लैंड करो उतना जल्दी आप काम स्टार्ट करते हो। तो बट अनफॉर्चुनेटली सारी फ़्लाइटें बंद थी डायरेक्टली, जो इंडिया से कनाडा की फ़्लाइटें आ रही थी, बिकॉज कैनेडियन गवर्नमेंट ने एक मतलब अभी नई गाइडलाइन जारी की थी कि भाई आप इंडिया से या पाकिस्तान से हैं तो आप डायरेक्ट फ्लाइट नहीं ले सकते। उन्होंने बोला कि बस इफ़ यू वांट टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, सो यू हैव टू ट्रैवल बाय अ थर्ड कंट्री, मींस यू हैव टू गो देयर एंड स्टे देयर फॉर 1-2 days एंड देन गेट योर RT-PCR डन फ्रॉम देयर एंड देन यू कैन ट्रैवल इनडायरेक्टली। सो हमने सोचा कि हम इनडायरेक्टली जाएंगे। हमने रिया ट्रैवल से कॉन्ट्रैक्ट किया, रिया द ट्रैवल एक्सपर्ट उसका पूरा नाम है, आप लोग गूगल में जाके भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो उनसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, चारों ने उनको ईमेल किया, फ़ोन किया, तो उन्होंने हमें डिटेल्स दी कि उनकी एक फ़्लाइट जा रही है 22 तारीख को दिल्ली से ओमान, ओमान से इजिप्ट, और इजिप्ट से जो कनाडा जाएगी वो 4 दिन के बाद जाएगी। मतलब अगर 22 को हम फ्लाई किए तो 27 को वहाँ से हमारी फ़्लाइट आई। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि रिया ट्रैवल ने सब कुछ अरेंज करके दिया था। इवन दो वहाँ पे स्टे जो था हमारा इजिप्ट में, उससे लेके RT-PCR टेस्ट से लेके और जो ट्रैवल टू एयरपोर्ट और फ्रॉम एयरपोर्ट से लेके सब कुछ उन्होंने अरेंज किया था। तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। सबसे पहले हम एयरपोर्ट पे गए, टिकट हमारी आ गई थी जैसे 22 के, तो हम 20 को हमें टिकट मिल गई थी। लगेज भी अच्छा दिया था उन्होंने, 46 kg लगेज अलाउड थे, 2 pieces ऑफ बैगेज विच इंक्लूडेड लाइक 46 kg ऑफ टोटल वेट। तो हम लोग ट्रैवल किए दिल्ली से। दिल्ली से मैंने RT-PCR कराया था एक दिन पहले, क्योंकि 48 घंटे पहले रिक्वायरमेंट है उनकी एयरलाइन की कि RT-PCR जो आप कराएंगे तो 48 प्रायर टू डिपार्चर होना चाहिए। तो हमने वो कराया, उसके बाद हमने मतलब एयरलाइन की बोर्डिंग की लाइन में लगे, तो वहाँ पे सब चेक हुआ, उन्होंने सब कुछ डॉक्यूमेंट चेक किए। तो एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी मतलब आप पर्सनली अगर बुक करके आ रहे हैं किसी थर्ड कंट्री से, तो यू गाइज मेक श्योर दैट यू हैव रिटर्न टिकट, बिकॉज वो लोग आपसे मांगेंगे एयरपोर्ट पे। तो आपके पास रिटर्न टिकट होना चाहिए, वहाँ का थर्ड कंट्री का वीज़ा होना चाहिए, क्योंकि आपको कई कंट्री ऐसे हैं जो एयरपोर्ट पे टेस्ट नहीं करवाते RT-PCR, तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास वीज़ा होना चाहिए, आपके पास इधर यू हैव टूरिस्ट वीज़ा और एनी अदर काइंड ऑफ वीज़ा, सो यू कैन जस्ट गो आउटसाइड एंड गेट योर RT-PCR डन फ्रॉम देयर। सो हमारे पास इजिप्ट का वीज़ा था, रिया ट्रैवल ने सब अरेंज करके दिया था। तो इंडियन इमिग्रेशन पे ज़्यादा कुछ पूछा नहीं उन्होंने, उन्होंने बस इतना ही पूछा कि आप जा कर रहे हो, अभी कोविड की सिचुएशन है, इतने लाख केसेज इंडिया में रोज आ रहे हैं, तो आप ट्रैवल कर रहे हो। तो हमने यही बोला, सर हम अभी खाली जस्ट टूरिस्ट के लिए जा रहे हैं, कंपनी की तरफ से हमें टूरिस्ट का पैकेज मिला है, मतलब टूरिज़म के पर्पज़ से ही जा रहे हैं हम लोग। तो
उसके बाद उन्होंने हमें जाने दिया। जाने के बाद हम लोग फिर इमिग्रेशन से सब क्लियर हुआ, सब सिक्योरिटी चेक हुआ, सब कुछ सामान जो भी जितना भी होता है सारा अच्छे से मतलब उन्होंने चेक किया। उसके बाद हम लोग बोर्ड किए दिल्ली से ओमान, ओमान एयरवेज थी, ओमान एयरवेज में हम बोर्ड किए। तो उसके बाद हम लोग फिर ओमान में आई थिंक 2 घंटे का लेओवर था, वहाँ पे रुके हम, थोड़ा रिफ्रेश हुए। उसके बाद फिर हमारी फ़्लाइट थी इजिप्ट के लिए। तो इजिप्ट के लिए हम लोग फिर निकले, वहाँ से हम एयरपोर्ट पे उतरे, वहाँ पे हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट हुआ, आरटीपीसीआर नहीं हुआ। और जो रैपिड टेस्ट था वो बड़ा ही हार्ड था, उन्होंने बड़े मतलब गंदे तरीके से मैं कहूँगा कि उन्होंने टेस्ट किया, जो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो कोरोना के लिए है, क्योंकि जो स्टिक नाक में जो स्वाइप होती है वो उन्होंने बड़ी हार्डली अंदर तक पूरा डाली। और लाइक एवरीवन वाज शॉक्ड दैट, क्योंकि ऐसा टेस्ट कभी पहले नहीं कराया कि इतनी हार्डली उन्होंने पूरा अंदर तक नोज में आपके वो स्वाइप डाला। तो एनीवे देन एवरीथिंग वाज गुड। आई थिंक देयर वर टोटल 15 पीपल हु गॉट पॉजिटिव फ्रॉम द एंटीजन रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो उनको मतलब उनको फिर इजिप्शियन गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया एयरपोर्ट से बाहर जाने के लिए, तो उनको वहाँ से फिर वापस ओमान एयरवेज के थ्रू वापस इंडिया भेजने की प्लानिंग हुई। उस टाइम वो लोग सब चले गए, हमें पता नहीं चला कि वो लोग कैसे क्या करेंगे। बट जो वो स्टूडेंट का ग्रुप था, एक्चुअली हमारी जो फ़्लाइट थी उसमें लगभग 190 or 110 समथिंग स्टूडेंट थे, तो उनका एक ग्रुप था, उनमें से कुछ लोग पॉजिटिव आए थे। तो उनसे जब पता चला बाद में कि क्या हुआ, क्या बना उन बंदों का, तो उसमें से जो 10 बंदे थे वो, क्योंकि ओमान एयरवेज ने भी फिर ओमान पहुँचते उनका आरटीपीसीआर किया, तो 10 बंदे उसमें नेगेटिव आए, 5 बंदे उसमें पॉजिटिव आए। तो 10 बंदों को उन्होंने किसी दूसरे रूट आई थिंक लुफ्तांसा से कहीं से उनको टोरंटो भेजा, और जो 5 बंदे थे उनको इंडिया वापस भेजा। तो यहाँ तक एक्सपीरियंस मतलब ठीक ठाक था, थैंक गॉड कि हमारे में से कोई भी पॉजिटिव नहीं आया। और उसके बाद हम 4 दिन होटल में रुके, होटल का जो भी था सब कुछ रिया ट्रैवल ने अरेंज किया था, वहाँ रुके हम। वहाँ पे ठीक था, लंच डिनर ब्रेकफास्ट 3 बफे मिलते थे, और हम लोग वहाँ रुके हुए थे, तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक था वहाँ पे जो अरेंजमेंट था रियल ट्रैवल ने किया था। उसके बाद हमारा एक दिन पहले आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ, आरटीपीसीआर टेस्ट होने के बाद फिर अगले दिन उसकी रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद फिर हम लोग अपना एयरपोर्ट के लिए निकले अगले दिन, क्योंकि हमारी अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट थे, तो हम लोग लगभग शाम को 6 बजे वहाँ से निकले थे होटल से। तो एयरपोर्ट पे सब स्मूथ था, मतलब ज़्यादा टाइम लगा थोड़ा सा, बट दे वर जस्ट चेकिंग ऑल द डॉक्यूमेंट्स। सो इफ़ यू गाइज आर ट्रैवलिंग, जस्ट मेक श्योर यू हैव प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन विद यू, अदरवाइज यू गाइज विल बी इन ट्रबल एट द एयरपोर्ट इन थर्ड कंट्री, एंड देन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, लाइक वेयर यू गोना गो आफ्टर दैट इफ़ यू गेट स्टक देयर एट द एयरपोर्ट। सो मेक श्योर यू हैव all the documents ready to go and just show them whatever they ask. For example, like if you are traveling on work permit, to humse unhone LMIA manga, offer letter manga, letter of interest manga, uske baad hotel booking mangi, hotel booking ke baad jo 11 din aap rahoge wo manga, matlab kafi sari cheeze unhone cross check ki, sab kuch wo Canadian authority ko send kar rahe the us time, sab scan karke photo khech ke। तो मतलब लगभग 5 मिनट के बाद ओके टू बोर्ड का मैसेज आ रहा था कि भाई हाँ, दीज गाइज आर हैविंग ऑल द डॉक्यूमेंटेशन विद देम, सो दे आर ओके टू बोर्ड। हमने फिर वहाँ से लगभग मतलब 1 डेढ़ घंटा लग गया होगा इस सारे प्रोसेस में इजिप्ट पे, इजिप्ट एयरपोर्ट पे। तो उसके बाद फिर हम लोग अंदर गए, बोर्डिंग पास मिला, थोड़ा लगेज का उन्होंने इशू कर दिया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा 4-5 kg लगेज एक्स्ट्रा था। मैं तो फिर उनसे रिक्वेस्ट किया, वो लोग मान तो गए, बट काफ़ी टाइम तक उनसे मतलब बहस करनी पड़ी। और इजिप्शियन दे आर
bit hard to, you know, handle. If you tell them your situation, they not gonna accept it. So you guys make sure if you're traveling from Egypt or somewhere, you guys have like proper weight. It should not be exceed more than like whatever they allow you in your flight. तो उसके बाद हम लोग फिर सब कुछ हुआ, रिक्वेस्ट किया उनसे, मान गए वो लोग. वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, सॉरी गाइस, बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू इन लाइक इन अ प्रॉपर वे, लाइक सो यू डोंट हैव एनी इशू व्हेन यू गोना ट्रैवल. आफ्टर दैट लाइक हम लोग वहाँ से बोर्ड किए, सब कुछ अच्छे से गया. उसके बाद एक और सिक्योरिटी चेक हुआ इजिप्शन, सॉरी इजिप्ट एयरपोर्ट के ऊपर एक और सिक्योरिटी चेक हुआ. उसके बाद सब चेकिंग के बाद हम अंदर गए, फ्लाइट में बैठे. तो उसके बाद थोड़ा सा मतलब वी वर लाइक 80% श्योर दैट वी विल गो टू द टोरंटो एयरपोर्ट. उससे पहले थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि हम भी कंफ्यूज थे कि शायद वर्क परमिट वालों को ये लोग ना अलाउड करें या फिर ऐसा कुछ इशू ना क्रिएट हो. तो हम लोग वहाँ से निकले, सब टोरंटो एयरपोर्ट पे पहुँचे. वहाँ पे पहुँच के इमिग्रेशन थोड़ा हार्ड था क्योंकि उन्होंने भी सारे डॉक्यूमेंट चेक किए प्रॉपरली, जैसे कि अपना ये आपका वर्क परमिट है, आपका लेटर ऑफ इंटरेस्ट है, आपका सारा LMIA है, वो सब उन्होंने चेक करके. इवन वन ऑफ माई फ्रेंड दे टोल्ड हिम टू जस्ट शो देयर यू नो IELTS एग्जाम. It's quite hard if you don't carry your IELTS certificate with you, because sometimes they ask English test. तो मेरे से ऐसा कुछ नहीं पूछा उन्होंने, मेरे से खाली अपना employer का जो letter था वो पूछा, hotel booking पूछी, arrive can app पूछी. arrive can भी you guys make sure that you download it and you fill it out everything like your accommodation for 11 days, your accommodation, your hotel for 3 days. So you guys make sure that properly you fill it out and just upload all the documents, I mean all the information whatever they ask you in that app. So immigration clear हुआ. उसके बाद हम लोग गए एक और दूसरे immigration area में जहाँ पर आपको work permit मिलता है. वर्क परमिट वो लोग प्रिंट करके देते हैं, वो सब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ पे जाना है, कितना क्या पे रेट है, कौन से रेस्टोरेंट में है, ये सब नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं. अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सारे रेडी तो आपको कोई मतलब डरने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास आप उनसे अपना ये दे सकते हैं, अपना सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं. तो उसके बाद फिर हम नीचे गए, लगेज कलेक्ट किया. लगेज कलेक्ट करने के बाद हम लोग फिर बाहर जाने लगे. तो वहाँ पे कस्टम चेक किया, कस्टम चेक के बाद फिर हमें भेज दिया RT-PCR मीन्स कोविड टेस्ट की तरफ, वहाँ पे भेज दिया हमें. तो वहाँ पे कोविड टेस्ट हुआ. उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट से थोड़ा सा मतलब अंदर ही थे, एयरपोर्ट के गेट के अंदर ही, वहाँ पे अलग से लाइनें लगी थी. वहाँ पे आपके होटल की जो शटल बस होती हैं वो खड़ी रहती हैं, आप को मतलब आपके होटल की बुकिंग चेक करेंगे, उस हिसाब से फिर आपको कॉल करेंगे कि हमारा जैसे हिल्टन होटल था तो उन्होंने कॉल किया कि डबल ट्री बाई हिल्टन दैट होटल हु आर बुक दैट होटल दे कैन कम एंड सिट इन द बस. तो उसके बाद हम लोग अपना बैठे बस में, होटल आए, होटल में चेक इन किया, अच्छा रहा 3 दिन वहाँ से, अच्छा हुआ सब कुछ. और खाना जैसे अगर आप होटल बुक कर रहे हो तो उसमें खाना खुना सब इंक्लूडेड होता है, आपको कोई टेंशन नहीं होती 3 दिन की. तो खाने में क्या था कि उन्होंने हमें जब हम चेक इन कर रहे थे होटल के अंदर तो होटल में उन्होंने पूछा कि आप वेज खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, इंडियन और वेस्टर्न. सो इट्स डिपेंड ऑन यू, लाइक वट एवर यू वॉन्ट टू चूज यू कैन चूज and they will give you the food according to your preferences. So अच्छा था, सब कुछ अच्छा था. 3 दिन हम वहाँ पे रहे. उसके बाद 11 दिन का हमने एक और बुक किया हुआ था accommodation. तो हम लोग अभी वहाँ पे हैं और 11 दिन हम लोग यहाँ पे अभी क्वारंटीन ख़त्म करेंगे. और उसके बाद
जो मेरे तीन फ्रेंड है वो कैलगरी ट्रैवल करेंगे और मैं अभी वैंकूवर जाना है, क्योंकि मेरा जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है, वो वैंकूवर में है। तो मेरे को वैंकूवर ट्रैवल करना है। उसकी भी फ़्लाइट हमने बुकिंग नहीं की है, क्योंकि हमारा कल एक और कोरोना टेस्ट है। जो किट हमें मिल जाती है एयरपोर्ट से ही, जब आप RT-PCR टेस्ट कराते हैं, उसके साथ ही एक किट और आपको दे देते हैं। वो घर पे टेस्ट करना होता है, घर पे स्वाइप करना होता है, आपको लॉगिन करना होगा, जो हेल्थ अथॉरिटी है उसकी वेबसाइट पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन के बाद एक वीडियो कॉल आएगी आपको, तो जैसे जैसे वो बोलेंगे वैसे वैसे आपको वो स्वाइप अपने नोज में या अपनी टंग पे, जो जैसे जैसे वो बोलेंगे, तो कल वो करना है हमने कल। उसके बाद फिर 11 को हमारा ख़त्म है यहाँ से, 11 के बाद फिर हम लोग निकलेंगे अपने अपने डेस्टिनेशन पे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है फ्रेंड, बट ये है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए अच्छे से, तो इसलिए थोड़ा सा ये बड़ा हो गया है। बट एनीवे, अगर आपको कुछ और पूछना है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप YouTube पे भी मेरे को मतलब कमेंट भेज सकते हैं कि आपको अगर कुछ और वो करना है तो कुछ और जानकारी, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। ऑलमोस्ट सब कवर कर दिया है, बट कुछ छूटा होगा तो आप मेरे को रिमाइंड करा देना, मैं आपके पर्सनली जाके उस पर क्वेश्चन के आंसर भी दे दूंगा। क्योंकि अभी तो खैर हम फ्री हैं, 11 दिन क्वारंटीन है, तो अभी मैं आपके कॉल का रिप्लाई भी कर सकता हूँ और आपके मैसेजेस का रिप्लाई भी कर सकता हूँ। एनीवे, थैंक यू फ्रेंड्स, आप से उम्मीद है कि मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे। अपना ध्यान रखिए और स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, टेक केयर, बाय बाय।